नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एंजल बुकिंग के वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इस वीडियो में हम एंजल बुकिंग के वेब बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर trade.angelbooking.com ये सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर पहली ही वेबसाइट trade.angelbooking.com देखने को मिल जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और ओपन होने पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर इंडेक्स दिखाई देगा। यहाँ पर निफ्टी है, क्योंकि जैसे आज यहाँ पर निफ्टी में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। सेंसेक्स का इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, निफ्टी का यहाँ पर इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडिया विक्स का भी पर इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ इंडिया के जो भी टॉप इंडेक्सेस हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ग्लोबल इंडेक्सेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डाउ जोन हुआ, हैंगसेंग हुआ, नैस्डैक हुआ, निकेई हुआ, ये सारे इंडेक्स यहाँ पर। आप यहाँ इंडिया के इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50, आईटी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 100, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर के इंडेक्स यहाँ पर आपको टॉप इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो इक्विटी समरी दी गई है, जहाँ पर आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर और मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू के हिसाब से, और यहाँ पर मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम कि इनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, ऐसे स्टॉक्स आपको यहाँ पर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फ्यूचर प्राइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ किन स्टॉक के प्राइस में गेन हुआ है, किन स्टॉक के प्राइस में लूजर है। या जैसे यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो आज ये इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रीमियम बेस आप फिल्टर कर सकते हैं, या डिस्काउंट में कौन कौन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्यूचर ओआई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि किन स्टॉक्स में गेनर है, कौन से स्टॉक लूजर है, किसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, किसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल जाएगी, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस साइड आपका पोर्टफोलियो जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में जो भी डिलीवरी है वो देखने को मिल जाएगी। अगर नीचे बात करें तो मार्केट न्यूज देखने को मिल जाएगी, यहाँ स्टॉक से रिलेटेड आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप ग्लोबल से रिलेटेड जो न्यूज है वो देखने को मिल जाएगी, कमोडिटी की न्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, करेंसी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और आईपीओ अगर से रिलेटेड कोई न्यूज है या अपडेट है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप इस trade.angelbooking.com की वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपको ये ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। नीचे बात करें तो एंजल की एडवाइजरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो आप सिंपल सा बाय पर रिको सिंपल सा बाय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नॉलेज सेंटर दिया गया है, जहाँ पर एंजल के जितने भी वेबिनार होते रहते हैं उन वेबिनार की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 25 फरवरी को हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन इजिली इंस्टा ट्रेंड, इसके लिए वेबिनार है, वो भी 25 तारीख को 4 से 5 के बीच में, 1 घंटे का वेबिनार है। यहाँ पर आप सिंपल सा रजिस्टर करके इसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एंजल वन का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका जो फ्रंट पेज है उसमें ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। सिंपल सा लॉगिन करने के लिए आपको एक कोने पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपल से लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो आपका जो भी यूजर आईडी हो यहाँ सिंपल सा फिल कर दीजिएगा, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर सिंपल सा साइन इन कर लेता हूँ। जैसे साइन इन करता हूँ मेरा एंजल ब्रोकिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने पर इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड को देख लेते हैं। इस डैशबोर्ड में आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि फ्रंट पेज में आपको देखने को मिली थी। हम बात करते हैं पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन की। जैसे आप पोर्टफोलियो को क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आपकी इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी होल्डिंग है यहाँ पर दिखेगी। आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई डिलीवरी ले के रखा है या कैरी फॉरवर्ड में कोई पोजीशन है तो आपको यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले सेगमेंट में देखने को मिलेगी। कमोडिटी वाले ऑप्शन में आपकी कमोडिटी की, करेंसी वाले में करेंसी की पोजीशंस आपको देखने को मिलेगी। अगर बॉन्ड्स कोई लिया है तो बॉन्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरे यहाँ पर 3 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं तो देखने को मिल रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैं सिंपल सा विड्रॉ भी कर सकता हूँ, और ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से इन्वेस्ट करके मैं अपनी
मनी को बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो में ये सारी चीजें देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक वॉच लिस्ट ओपन हो जाती है, और इस वॉच लिस्ट में आप नीचे देख सकते हैं 5 वॉच लिस्ट है, और अपनी हिसाब से यहाँ पर वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इन वॉच लिस्ट में अपने पसंदीदा स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट के आगे FNO डेटा है, तो यहाँ पर FNO के जो डेटा है वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। साथ ही यहाँ पर चार्ट के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ जैसे आप चार्ट के ऑप्शन को क्लिक करते तो आपका पेज फुल साइड में ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं, और यहाँ सिंपल से जूम इन करने पर ये वापस आ जाएगा। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन चेन का। तो ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन में आप किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन देख सकते हैं। सिंपल सा हम यहाँ पर निफ्टी सर्च करते हैं तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर का। तो आप जो भी ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में आपके पेंडिंग ऑर्डर और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दिखेंगे। बुक ऑर्डर के साइड में पोजीशन का ऑप्शन है। अगर आपने कोई भी पोजीशन इंट्राडे में ले रखी है तो यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन दिखेगी, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर किसी भी स्टॉक पर GTT ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पर सिंपल सा आप लगा सकते हैं। यानी कि आप इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए दो ऑप्शन काम के हैं। मार्केट से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, दूसरा ऑर्डर से आप अपनी पोजिशन को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडवाइजरी का। एंजल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइजरी प्रोवाइड करती है, वो भी फंडामेंटल बेस पर, टेक्निकल बेस पर, डेरिवेटिव करेंसी और कमोडिटी की कॉल्स यहाँ पर आपको ये टिप्स प्रोवाइड होती है। तो यहाँ देख सकते हैं 23 तारीख को इन्होंने एक टिप्स दी थी लॉन्ग टर्म केस बाय करने के लिए। इनका CMP ये बताया गया था और इस रेंज में आपको बाय करना था, इसका टारगेट वगैरह भी इन्होंने देख के रखा था। यहाँ पर ARQ एडवाइजरी है जो कि इनकी प्रीमियम एडवाइजरी है, आप इनका प्रीमियम एडवाइजरी भी ले सकते हैं। यहाँ रिसर्च रिपोर्ट वगैरह के ऑप्शन है, तो जिस भी स्टॉक का यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट है वो रिसर्च रिपोर्ट आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। एंजल की तरफ से कुछ रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की जाती है, इन रिसर्च को आप यहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड करके देख सकते हैं, स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है फंड का। तो फंड के द्वारा आप अपने डीमेट अकाउंट में फंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डीमेट अकाउंट में ऐड फंड का ऑप्शन है और नेक्स्ट ऑप्शन है विड्रॉ का। तो यहाँ से आप अपना फंड विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना पूरा फंड देख सकते हैं कि पोजीशन में कितना यूज हुआ है और अभी कितना बचा हुआ है, ये सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको मार्जिन बढ़ानी है, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि भाई मेरी होल्डिंग पोजीशन है और मुझे इंट्राडे में उस मार्जिन को यूज करना है, तो यहाँ मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, इंक्रीज मार्जिन का ऑप्शन दिया गया है। तो इस ऑप्शन को क्लिक करके आपके सामने एक OTP आएगी। OTP आने के बाद ये CDSL के पेज पर ले जाएगा, वहां ऑथेंटिकेशन करने के बाद ये मार्जिन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको विदिन 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आपकी मार्जिन इंक्रीज कर दी जाएगी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अगेंस्ट मुझे 5440 रुपए का मार्जिन दे रहे हैं। तो मुझे दो स्टेप में, पहला तो मेरे मोबाइल पे OTP आएगा, दूसरा CDSL का OTP आएगा, वो ऑथराइज करने के बाद 5 मिनट के अंदर मेरी मार्जिन बढ़ जाएगी। और आपको इन मार्जिन को अनप्लेस करना है, प्लेस करना है, तो ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन है प्लेजिंग अनप्लेजिंग। तो मेरा कोई भी प्लेस यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर मेरी कोई भी पोजिशन प्लेस होती है तो यहाँ अनप्लेस का ऑप्शन दिखता, तो मैं यहाँ से अपनी पोजिशन को अनप्लेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट का। रिपोर्ट आपके बहुत काम की चीज है और यहाँ पर आपको दो तरह की रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और सिक्योरिटी होल्डिंग। तो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आपके लेजर से रिलेटेड फंड ट्रांसफर, DP ट्रांजेक्शंस, एक्शन डिटेल्स, ट्रेड हिस्ट्री, PLNA समरी, कॉन्ट्रैक्ट नोट और क्लाइंट मास्टर कॉपी यहाँ से आप सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्योरिटी होल्डिंग में अगर आपकी कोई होल्डिंग वगैरह है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे मेरी यहाँ पर दो होल्डिंग है तो वो दिखाई दे रही है मुझे। तो आपकी कोई भी सिक्योरिटी होल्डिंग है तो आप यहाँ से
सिक्योरिटी का पे आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। मोर का ऑप्शन है, मोर वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आईपीओ का, तो जो भी रिसेंटली आईपीओ का न्यूज होगा या अपडेट होगा तो यहाँ पर आईपीओ में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप स्टॉक की एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, बॉन्ड में आपको गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन डीआईएस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन डीआईएस की सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सीडीएसएल ई डीआईएस, यहाँ पर सीडीएसएल का ई डीआईएस का ऑप्शन भी है और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है एनपीएस, एनपीएस का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपकी माय प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर की डीमेट है तो आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। इस तरह से एंजल ब्रोकिंग का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इसमें कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे एक ही एप्लीकेशन में। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एंजल बुकिंग के डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप एक नया डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।